पाकिस्तानी अमेरिकन्स का अपना प्रोग्राम मौशी, सियासी, मजहबी, मौशरती जाविये और मसाइल पर नजर, नामवर शख्सियात से इंटरव्यूज, कम्युनिटी इवेंट्स, आपकी आवाज पहुंचेगी वॉशिंगटन से इस्लामाबाद, पाकिस्तान अब्रॉड में। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ 2021 سال کا آغاز کرتے ہیں. خواتین و حضرات, 2020 بہت پریشانیوں کا, غم کا, اور COVID-19 سے لاکھوں لوگ جو لقمہ اجل بن گئے ان کی تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا سال تھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ 2021 کا یہ سال ہم سب کے لیے, دنیا بھر کی انسانیت کے لیے, ہمارے وطن عزیز پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے, اور یہاں پہ دیار غیر میں, دنیا بھر میں, جہاں بھی دیار غیر میں پاکستانی رہتے ہیں, امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی, نیو یارک میں جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں کر دے. اس 2021 کے سال کو ہم سب کے لیے برکتوں, رحمتوں کا سال بنا دے, اور خوشیوں کا سال بنا دے, ترقی کا سال بنا دے. تو خواتین و حضرات, ہم اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ابراڈ پروگرام شروع کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ دنیا بھر میں, امریکہ میں, نیو یارک میں جو پاکستانی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور وہ کسی بھی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک چمکتا ہوا ستارہ, فن کا ستارہ, جو اپنی پچھلی 3 دہائیوں سے پاکستانیوں کو اپنے فن سے محظوظ کر رہا ہے, اس کا یہاں پر تعارف کروانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کا نام ہے بوٹا ڈھول والا. بوٹا ڈھول والے نے اپنے فن سے, اپنے ڈھول کی تھاپ سے پچھلی 3 دہائیوں سے کسی قسم کا کوئی شادی بیاہ, کوئی بروکلن میلہ ہو, پریڈ ہو, ہر جگہ پر یہ اپنا ڈھول کے ساتھ موجود ہوتا ہے, اور اس کے ڈھول کی تھاپ سے, ہر سٹک سے جو آواز نکلتی ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, جیوے جیوے پاکستان. تو آئیے آپ کی ملاقات پاکستان ابراڈ پروگرام میں محمد بوٹا ڈھول والے سے کرواتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات اس فنکار سے کرواتے ہیں. Thank you.
आपको पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने, आपके साहबजादे ने हमें इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आप बताइए मोहम्मद बुटा साहब कि आप यहाँ पर अमेरिका पिछली 3 दहाइयों से मौजूद हैं, आपने ये फ़न जो पाकिस्तान से लेकर आए हैं ढोल का, ये क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते थे आप? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्राड जो एक बहुत मशहूर और ये हमारे लेजेंड जंगी लोधी साहब किसी तारफ के मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई का मेरे घर आने के लिए। मैं आपको सलूट करता हूँ भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये नगारा है, दरअसल में तो ये सूफी भी ढोल है, मज़ारों पे ऊपर शहीदों के आने पे, जंगों पे जाने के, और हर खुशी। पहले ज़माने में जब मीडिया नहीं था तो हम लोग मीडिया थे, हम लोग आज के मीडिया की तरह नहीं है, क्योंकि मैं सहाफ़त उसको समझता हूँ जो पढ़ लिख के सहाफ़त करे, मैं ढोल वाला उसको समझता हूँ जो सीख के ढोल वाला बने, मैं लॉयर उसको समझता हूँ जो सीख के लॉयर बने, मैं डॉक्टर उसको समझता हूँ जो डिग्री लेके आए। इसी तरह मैं ये इस प्रोग्राम को मेरे बाप दादा करते थे और मैंने ये अडॉप्ट किया, और गवर्नमेंट पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी गवर्नमेंट जितने भी हैं, मुझे किसी से कोई तल्लक नहीं है, कोई किसी पार्टी से तल्लक रखता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने रिसीव नहीं किया, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हो, चाहे वो पाकिस्तान नून का हो, चाहे वो दूसरी किसी और पार्टी का, बूटा ढोल वाला आपकी सर्विस 24 आवर आपके साथ पेश है। ये मेरा प्रोग्राम जितने भी चलते हैं, ये पाकिस्तान का मैंने नाम जो भी मैं अपने फ़ख्र से नाम लेता हूँ, मैं ये अपना कल्चर जो एड्रेस मैंने पहन रखा है, ये एक अजूबा है कि जितने मेरे पाकिस्तान के सूबे हैं वो सभी सूबों का मैंने लिबास पहन रखा है। चप्पल तो मैं आपके सामने पठानू वालू सरहद वाली पहनता हूँ, बलोचिस्तान के हैं ये, और पगड़ी टर्बन समझ लो सिंधी लोगों की है और पंजाबी की है, जो सूट दूसरा जरा आप देख रहे हैं मेरा, ये यानी कि जितने सूबे हैं और सभी को मैं मेंशन करता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। आप मोहम्मद बुटा साहब, यहां पर मैंने देखा कि मैं भी यहां पर पिछले 15 साल से कम्युनिटी के सारे फंक्शन में जाता हूं, मैंने आपको परेड में देखा, ब्रुकलिन मेले में देखा, और किसी किस्म का कोई पॉलिटिशियन आए, कोई खुशी हो, हर जगह पर आप ढोल लेकर पहुंचे हुए होते हैं। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुतमईन हैं? बहुत खूब, मेरे पाकिस्तानी, मेरी बहनें, भाई, हमारे मुल्क के जितने भी वो लोग जो सबसे पहले यहाँ आए, फिर उन्होंने फैमिलियों को अप्लाई किया, वो हमारे कोलंबस हैं, वो लेजेंड हैं हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं लोग, और इंशाल्लाह ऐसे कम लोग हैं, कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो हमारे भाई उसी वक्त हाथों से छाए कर लेते हैं, ये हमारी कम्युनिटी में खूबी है। आपको अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आपके पिछली 3 दहाइयों का, आपका, आपकी ये परफॉर्मेंस है, आपकी ये जो ढोल की के ऊपर आप ये जो आप थाप बजाते हैं, इसमें हर एक स्टिक से पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इसकी आवाज़ निकलती है, पाकिस्तान कम्युनिटी ने आपको अप्रिशिएट किया? मुझे, मैं थोड़ी सी बात गोश गुआर कर दूँ कि सबसे पहले तो देखिए मोटी बात कर रहा जी, गल होंदी जड़ी सच्ची हो, अभी उनमें इतनी जान नहीं है। कोई गिला है आपको? नहीं, अगर मैं देखूं तो उम्मीद है। देखो गवर्नमेंट, हम लोग किसी को मेंशन नहीं करते कि ये आदमी काम अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अगर उन लोगों को कहा जाए पाकिस्तान मिनिस्ट्री को कि बूटा शेख को कोई अवार्ड नहीं मिला, गुजरात वाले मेरे साले पॉलिटिक्स लोग हैं, सभी को मैंने रिसीव किया है, 2 आदमी उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं ज़िंदगी में, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, एक गुजरात चौधरी वजाज साहब ने, बाकी जितने पॉलिटिक्स आए हैं तो दो लोगों पे मैं
बाकी यही है बैजा बूटिया बस। बैजा बैजा बस। चले ये तो गिले शिकवे तो होते रहते हैं नाजरीन, ये तो हमारी... ये एक इनाम है, इनाम है, गिले शिकवे नहीं है, ये एक इनाम है। और यार लोगों को जमीनें मिलती हैं, अगर जितना मैंने काम किया है, मेरे ख्याल में अगर कोई इंडिया का ऐसा कोई फनकार हो तो उसने किया, उसे मुरब्बे मिलते। यार मैंने तो कभी किसी से कोई गिला ही नहीं किया। मेले परेडें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ दें ना दें, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। ख्वातिन हज़रात, हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद बूटा जो हैं, उनके साहबजादे शेर बूटा भी मौजूद हैं, जो कि हर तकरीब में अपने बाप के साथ इसी तरीके से एक और ढोल के साथ उसी ढोल पर अपनी तरफ से एक धुन बजाते हुए मौजूद होते हैं। ये भी एक फ़नकार हैं, पाकिस्तान का विरसा लेकर ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपने बाप के शाना बशाना मौजूद हैं। तो शेर बूटा, आप बताइए कि आप अब कब से ये परफॉर्म कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पूरा नाम शेर ज़मान बूटा है और मैं अमेरिका में 2005 में तकरीबन आया था। तो तब से ही तकरीबन अबू जी से थोड़ा सा सीखा हुआ था, जब इन्होंने 2001 में चक्कर लगाया पाकिस्तान में, तो बेसिक जो अलिफ बे होती है किसी चीज़ की, ABC होती है, तो थोड़ी सी सीखी मैंने शौकिया तौर पे। तो तब से जब मैं इधर आया, फिर जब फर्स्ट डे मेरा अमेरिका में था तो ग्लेनकोव में मैं अबू के साथ प्रोग्राम पर चला, तो उसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी हमें सारे बहन भाइयों को। मेरे दो बहनें जो है क्रिमिनल जस्टिस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ने मैथमेटिशियन है, एक जो है वो स्किन डॉक्टर की तरफ जा रही थी, उनकी शादी हो गई रास्ते में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है। अभी रिसेंटली मैं न्यू जर्सी का रियल एस्टेट एजेंट भी बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर फ्यूचर में अगर पाकिस्तानी इंशाल्लाह अगर किसी को न्यू जर्सी में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए हो वो भी कर सकते हैं चीज़ का। और मैंने कहा कि ये तो मैंने करना ही करना है। सो द फर्स्ट टाइम ही लैंडेड इन पाकिस्तान, मैंने जिद करके, कहते हैं अभी तुम छोटे हो, मैंने कहा नहीं आप उन्हें मुझे बताना है। वी वर सिटिंग इन द किचन, इन्होंने वन टाइम मुझे बताया तो सेकंड टाइम मैंने वो हाथ से निकाल ली जो फर्स्ट इनिशियल जो उसका जो ढोल का फर्स्ट टाइम जो किया था वो थोड़ा परफॉर्म करें यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो ये बेसिक चीज है, इंग्लिश में पाकिस्तान लिखा हुआ पढ़ा लिखा पढ़ सकता है, ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ सिर्फ पाकिस्तानी पढ़ सकता है। अगर किसी अनपढ़ ने भी पाकिस्तान लिखा हुआ चलता हुआ फिर देखना है ना, तो मेरे अब्बू को देख ले कि किस तरह ये इंटरनेशनली अपने वतन को। मैं एक दफा बजा सकता हूं? जी जी। अगर अगर किसी ने बगैर लिखे पाकिस्तान का मतलब समझना है, कल्चर समझना है, किसी ने झंडा खुद बन के फिर रहा है, वो मेरा वालिद है, तो उसको अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल कोई ढोल वाला डिक्लेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, अवार्ड देना चाहते हैं, माई डैड डिजर्व्स इट, ही शुड गेट इट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इंशाल्लाह इस चीज़ को कंसीडर करेगी। आप बताइए कि ये जो आपने इस फ़न का आगाज़ किया अमेरिका में आकर, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि यार कहाँ मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के एक अजीब सा ही, मैं आई एम सॉरी टू से दैट, मैं एक अजीब सा नमूना लगूंगा बाहर, कभी ऐसा महसूस किया आपने? पहले नंबर पर जी आप अगर ने आप बात पूछ ही ली तो मैं बताऊँ कि पहले लोग जितने शादियों ब्याह पे जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, चाहे वो बाजे वाला है या कोई ढोल वाला है, मैं नहीं कभी किसी का लिबास अच्छा देखा। तो मैंने ये पहला आदमी हूँ जिसने ये लिबास शुरू किया, मैंने पूरे पाकिस्तान के ढोलों म्यूज़िक वाले लोगों को लिबास दिया है मैंने। अच्छा, मैंने नई थालें दी हैं उन्हें। इसमें कोई बुटीक वुटीक का किसी जी, का कोई जी बड़ा रोल है इसमें, इसमें बड़ा रोल है। तो अगर आप कोई सिपाही देखते हैं तो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, अगर आप कोई फौजी हमारी पाक आर्मी है तो उसका कोई अपना लिबास है, वर्दी है उसकी। इसी तरह कोई भी किसी महकमे का आदमी है तो उसकी वर्दी है, तो हमारी क्यों नहीं? ये मैंने अडाप्ट की और एक दो ताल मैंने नई शुरू की थी उस ज़माने में, वही सभी बजा रहे हैं। अच्छा, उसमें नया काम किसी ने कोई नहीं किया। अच्छा मोहम्मद बूटा साहब, हमारे नाजरीन को एक अच्छी सी धुन सुना दे, जीवे जीवे पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी कोई धुन सुना दे। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान।
अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद तुफैल साहब मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान के फ़न को लेकर आज न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आप कुछ सुनाएं थोड़ा सा ये। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे, और इसी तरीके से आप ढोल की थाल पर मोहम्मद बूटा साहब और आप तुफैल साहब, आप इसी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी का दिल जीतते रहें। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आप जैसे फ़नकारों की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा इज़्ज़त व मुकाम दे। अल्लाह हाफिज़। ख़्वातीन हज़रात, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान अब्रॉड प्रोग्राम जो है ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है। हमें अपनी तकरीबात की फुटेज भेजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे वाशिंगटन के ऐवानों से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों तक। आपकी फुटेज जो है हम ऑन एयर करेंगे। हमें अपनी राय अपने मशवरों से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर 2021 साल हम सब के लिए मुबारक और मोहब्बतों का रहमतों का साल हो। इसी दुआ के साथ जहांगीर लोधी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।